टाइप्स ऑफ वॉल परफेक्ट जानकारी देंगे कोई अलग टाइप्स बताता है बारह टाइप पंद्रह टाइप या कितने भी टाइप हम बताएंगे परफेक्ट बात एकदम कि कितने टाइप की वॉल्स होती है तो बने रहिए अंत तक हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में तो चलिए शुरू करते हैं वाल्स हमारी ओनली टेन प्रकार की होती है बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं एकदम सही क्योंकि हमारे कुछ व्यक्ति ये जान लेते हैं कि नाइफ गेट वाल या हमारी सुलूस वाल अलग अलग है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गेट वाल के टाइप्स हैं अभी मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ वाल ना कि मैं बात कर रहा हूं कि टाइप्स ऑफ गेट वाल तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं कि हमारी वॉल्स ओनली टेन प्रकार की होती है तो चलिए यहां देखेंगे तो चलिएगा ये देखिएगा हमारी नंबर एक पर आती है गेट वॉल नंबर दो है हमारा ग्लो वॉल नंबर तीन है चेक वॉल फिर आगे है प्लग वॉल बोल वॉल बटरफ्लाई वॉल नीडल पिंच पीएसवी या पीआरवी और फिर आगे आती है डाइफ्राम वॉल इनके बारे में एक एक करके बेसिक बताऊंगा सिर्फ और इनकी इमेजेस भी दिखाऊंगा पहचान के लिए कि ये वॉल्स कैसी होती है अब एक चीज इसमें पॉइंट की मैं बता देता हूं कि जैसे हमारी गेट वॉल है तो कुछ पर्सन हमारे क्या करते हैं कि जो इसके भी टाइप है यानी कि इसके कौन से टाइप्स होते हैं मैं यहां पर दिखाता हूं आपको अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो यह आ जाएगा हमारा नाइफ गेट वॉल यह आ जाती है हमारी नाइफ गेट वॉल और इसके आगे भी आ जाती है हमारी एक वाल होती है सुलूस वाल देखिए गेट वाल भी हमारे अलग अलग टाइप्स की होगी कौन सी हो जाती है एक सुलूस वाल आ जाती है एक आ जाती है नाइफ गेट वाल एक इसमें हो रहा है कंट्रोल वाल कंट्रोल वाल भी या तो बोल वाल का टाइप होगी या ग्लोब वाल का आप देखेंगे कंट्रोल वाल मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं ये हमारी कंट्रोल वाल की इमेज है इसके ऊपर न्यूमेटिक सिस्टम है यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमारा एयर से ऑपरेट हो रहा है लेकिन इसके जो मैनुअली नीचे वॉल है वो हमारी गेट या ग्लोब वाल है तो हमारा ये जो टाइप हो गया कंट्रोल वाल भी ये गेट वाल का या फिर ग्लोब वाल का ही टाइप्स होगा इसीलिए हमारा जो नाइफ गेट वाल भी है वो गेट वाल का टाइप है ना कि वो एक टाइप्स ऑफ वॉल है ठीक है तो बेसिक सी जानकारी ये है कभी भी कोई भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्स कितने प्रकार की होती है तो सिर्फ यही बताना है कि वॉल्स टेन प्रकार की होती है दस प्रकार की होती है तो नंबर एक पर आता है मेरा गेट वॉल वॉल गेट किसे कहते हैं जिसमें हमारा जो स्पेंडल के नीचे यानी कि गेट बना होता है जो बंद होने या ओपन होने की कंडीशन में होगा वो गेट वॉल होगा स्क्रीन पर देखिएगा ये गेट वॉल की इमेज है ये गेट वॉल होता है इसके आगे आता है हमारा ग्लोब वॉल अब ग्लोब वॉल में क्या डिफरेंस होता है सिर्फ इसकी डायरेक्शंस यानी कि जो इनलेट होती है और आउटलेट होती है उसकी डायरेक्शन में डिफरेंस आ जाता है ये हमें फोटो में दिखा देता हूं एक साइड से उठा हुआ होगा यानी कि आउटलेट और इनलेट के स्ट्रेट नहीं होगा ठीक है ये हमारा ग्लोबल का सिस्टम होता है इसके आगे आती है हमारी चेक वॉल चेक वॉल किसे कहते हैं ये स्क्रीन पे फोटो देखिए चेक वॉल में हमारा कोई स्पेंडल या व्हील नहीं होता इसको मैं नॉर्मली लैंग्वेज में एनआरवी भी कह देता हूं यानी कि नॉन रिटर्न वॉल मैं यहां पे लिख सकता हूं ये हमारी एनआरवी यानी कि यही होती है इसका फोटो भी देख लीजिएगा इसके आगे आती है हमारी प्लग वॉल प्लग वॉल और बोल वॉल दोनों सेम सेम होती है हैंडल दोनों में सेम होता है लेकिन डिफरेंस क्या होगा उसके अंदर जो होगा बोल वॉल बोल होगी ठीक है तो इसलिए उसको इसके आगे आती है हमारी बॉल वॉल अब बॉलवाल का फोटो दिखाता हूं स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारी बॉलवॉल है इसमें अंदर हमारा बॉल है तो इसलिए इसको हम बॉलवाल कह देते हैं इसकी डिटेल में जानकारी सभी वॉल्स की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ इसके आगे आती है हमारी बटरफ्लाई वॉल इसका नाम बटरफ्लाई की रखा है क्योंकि ये बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी ही है स्क्रीन पर आप देखिएगा इसका फोटो अब एक चीज याद रखनी है आपको बटरफ्लाई वॉल के लिए हमेशा फ्रेश वाटर में यूज कीजिएगा कभी भी ऐसी जगह यूज नहीं करनी जहां पर हमारा डस्ट या कोई स्लरी या कोई टाइट मटेरियल होगा जो हमारा पाइपलाइन में या फ्लो हो रहा होगा तो वहां पर हम बटरफ्लाई ना यूज करके हम दूसरी वॉल यूज कर सकते हैं लेकिन बटरफ्लाई का यूज हमेशा फ्रेश वाटर के लिए आप कर सकते हैं ठीक है इसके आगे आती है हमारी नीडल वॉल अब नीडल से क्या पता चल रहा है कि ये बिल्कुल नीडल टाइप है ये नीडल टाइप है नीडल मतलब सुई टाइप अब इसको उसी के तरह देख सकते हैं स्क्रीन पर इसका फोटो ये इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के लिए मोस्टली यूज होती है क्योंकि वहां पर बहुत कम प्रेशर चाहिए होता है और कम प्रेशर पर यह डिपेंड होती है इसलिए इसको निडल वॉल कहा गया है ठीक है इसके आगे आती है पिंच वॉल पिंच वॉल हमारी मैक्सिमम वाइ यूज होती है जहां पर हमारे वॉल के अंदर एक डाइफ्राम टाइप मतलब एक रबर रबर लगी होती है ठीक है देखिएगा पिंच वॉल और हमारी डाईफ्राम वॉल दोनों सेम सेम है पर सेम भी नहीं है मतलब लगती है लेकिन सेम नहीं है दोनों का डिफरेंस दिखाता हूं चलिएगा स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं यानी कि पिंच वॉल में क्या है जहां स्पेंडल होगा नीचे एक पिंच टाइप होगी और उसके बॉटम में भी एक पिंच टाइप होगी बीच में एक डायफ्राम टाइप होगा वो डायफ्राम दब जाता है जिससे वो बंद हो जाती है और डाइफ जब उसको स्पेंडल को ऊपर खींचेंगे डायफ्राम खुल जाएगा तो वो वॉल खुल जाती है अब डायफ्राम में क्या होता है कि इसमें स्पेंडल पर ही डायफ्राम लगा होता है इसको बीच में नहीं होता डायफ्राम पर ही एक सीट बनी होती है यानी कि रबड़ सीट और वो पूरी बैठ जाती है और पूरी ही खुल जाती है इसलिए उसको डायफ्राम वाल किया है दोनों के अंदर रबर होती है जो केमिकल्स प्लांट में या फिर केमिकल यूज कर रहे हो जिन पाइपलाइंस में जिन वॉल में फ्लो हो रहा है केमिकल्स के किसी पार्टिकल्स का जिससे इफेक्ट ना होन वॉल्स पे इसलिए उनको डायफ्राम वॉल या पिंच वॉल यूज करनी चाहिए और करते भी हैं ठीक है थीके? आगे आती है हमारी पीआरवी या पीएसवी यानी कि प्रेशर सेफ्टी वॉल या प्रेशर रिलीफ वॉल ये हमारी मैक्सिमम वहां यूज होती है जहां पर स्टीम वर यानी कि थोड़ा सा भी प्रेशर कहीं पर जनरेट हो रहा है ये ऑटोमेटिक ओपन होती है और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है जितने प्रेशर पर हम इसको सेट करते हैं इसका भी फोटो में स्क्रीन पर दिखा देता हूं तो बेसिक्स हमारी दस प्रकार की वॉल्स होती है इससे अलग कुछ भी नहीं होता इन्हीं के टाइप्स हो सकते हैं गेट वॉल के टाइप्स हो सकते हैं ग्लोब के हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा टाइप नहीं होते तो ये थी बेसिक सी जानकारी वॉल्स के बारे में इनकी डिटेल्स या इनके आगे की जो भी एप्लीकेशन है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो जो चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना बोले नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेक्निकल टॉपिक फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय